अशोक कुमार शर्मा, प्रिंसिपल राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, विषय कोड 105 जो कि प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। उसमें कंसेप्ट एंड प्रोसेसिंग के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो महत्वपूर्ण है आज के वर्तमान युग में। बिना इंफॉर्मेशन के विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास रुक जाता है। आप देख रहे हैं कि जितने भी देशों के विकास हुए हैं, जितने भी देश के चाहे सांस्कृतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे तकनीकी रूप से विकास है, चाहे किसी प्रकार का विकास है, उसमें इंफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इंफॉर्मेशन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमें यह आवश्यक है कि हमें डाटा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि डेटा के समूह के रूप में इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा का जो लॉजिकल रूप होता है, लॉजिकल समूह होता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसलिए डेटा के बारे में हमें आवश्यक रूप से जानकारी आवश्यक है। तो इंफॉर्मेशन जो है डेटा का ही फिल्टर्ड फॉर्म है, और इंफॉर्मेशन हमें इसलिए अत्यंत आवश्यक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के द्वारा डिसीजन ले सकते हैं। तो दो प्रकार का डेटा जनरली है कंसेप्ट ऑफ डेटा में, कि रियल डेटा और लॉजिकल डेटा। ऐसा डेटा जो फाइलों के रूप में संगारित है, फाइलों के रूप में स्टोर है, वो रियल डेटा कहलाता है, जैसे प्रथम वर्ष के छात्रों की रिकॉर्ड फाइल हुई। और लॉजिकल डेटा ऐसा डेटा होगा जो कि एक लॉजिकल मैनर में अरेंज होगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में होगा, चाहे डिसेंडिंग में होगा, चाहे अल्फाबेटिकली होगा। इस तरह का जो डेटा होता है वो लॉजिकल डेटा की श्रेणी में आता है। टाइप्स ऑफ डेटा में अगर हम विस्तार से आएंगे तो जनरली अल्फाबेटिक डेटा होता है। अल्फाबेटिक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से जेड तक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ए से जेड तक स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी लेटर हो सकता है, एक सिंगल लेटर भी हो सकता है अल्फाबेटिक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक से ज़्यादा समूह भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी है, अशोक है, राजस्थान है, स्टेशन है, पॉलिटेक्निक है, इंटरनेट है। ये जो हैं ये अल्फाबेटिक डेटा के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिक डेटा की तरफ। तो न्यूमेरिक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम 0 से 9 तक की डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंगल डिजिट भी हो सकती है, डिजिट का समूह भी हो सकता है, जैसे 5 है, 7 है, 99 है, 777 है, 6579 है। ये इस तरह के डेटा हैं। अब हम आते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा की तरफ। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में अल्फाबेट का सेट भी होगा और न्यूमेरिक का सेट भी होगा, जैसे अशोक 127 है, 47 आर्य नगर है, टेलीफोन नंबर है 9414240680, A5 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो ऑडियो डेटा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ऑडियो डेटा है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कोई ऑडियो क्लिप है, किसी का भाषण है, किसी का वो है, तो वो ऑडियो क्लिप के रूप में आ सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरीके से वीडियो डेटा है, कोई वीडियो क्लिप है, कोई किसी मॉडल का डिस्क्रिप्शन है, कोई स्मॉल फिल्म है, वो सारी वीडियो डेटा के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ग्राफिक डेटा है जिसमें लाइंस हैं, ग्राफ्स हैं, इस तरह के डिजाइंस हैं, वो ग्राफिक डेटा के रूप में काम में आते हैं। अब जनरली दो तरह का डेटा आगे डिस्क्राइब हुआ है, प्राइमरी डेटा और जिसमें कि एक सिंगल वैल्यू हो, जैसे कोई रोल नंबर हो, मेल फीमेल हो, सैलरी हो, कोड नंबर हो, जिसमें एक ही फील्ड हो, वो सिंगल वैल्यू डेटा कहलाता है, या प्राइमरी डेटा भी हम उसको कहते हैं। ग्रुप्ड डेटा जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू हो, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, GPF नंबर है, SI नंबर है, बेसिक पे है, अशोक कुमार शर्मा, दूसरा फील्ड है 17056, SI नंबर है 70162, बेसिक पे 20,000, ये तो ये ग्रुप डेटा है, यानी एक से ज़्यादा डेटा वैल्यू जो होती हैं वो ग्रुप डेटा कहलाता है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण DBMS के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं मैं। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये फाइलों का समूह DBMS, तो हम इसके छोटे से रूप से शुरू होते हैं। कैरेक्टर का समूह कहलाता है फील्ड, फील्ड का समूह कहलाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का समूह कहलाता है फाइल। तो ये एक उदाहरण के रूप में मैंने समझाया, ये डिफरेंट तरह के फील्ड हैं, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, जिसमें पहले सीरियल पे अशोक शर्मा हैं, ये एक फील्ड है नेम वाला फील्ड, रोल नंबर है ये एक फील्ड है, और इसमें जो रिकॉर्ड हैं 1 2 3 4 5, ये जो रिकॉर्ड हैं ये रिकॉर्ड से एक फाइल बनती है। तो इस रिकॉर्ड में जो ये कैरेक्टर हैं, ये जैसे एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड है, तीन रिकॉर्ड है, चार रिकॉर्ड है, पांच रिकॉर्ड है, छह रिकॉर्ड है, और हर एक रिकॉर्ड जो है ये
इसमें रिकॉर्ड में फील्ड्स हैं, जैसे एक फील्ड है 4031, तो इस जो फील्ड है वो कैरेक्टर के समूह से बनता है, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, कैरेक्टर का समूह कहलाता है फील्ड, फील्ड का समूह कहलाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का समूह कहलाता है फाइल, और फाइलों का समूह कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दो तरह का डेटा और होता है, फिक्स साइज डेटा और वेरिएबल साइज डेटा, जिसमें जो लेंथ है डेटा की, डेटा आइटम्स है अगर फिक्स हैं तो वो फिक्स डेटा कहलाता है, अगर वेरिएबल लेंथ है डेटा की तो वो कहलाता है वेरिएबल डेटा आइटम। जो फिक्स डेटा आइटम है उसमें क्या है कि मेमोरी खाली रहेगी तो पूरा मेमोरी का उपयोग नहीं हो पाएगा, और वेरिएबल डेटा आइटम में क्या है, हम मैक्सिमम मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी के आधार पर ही हम उनको स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल डेटाज में। थैंक यू, मैं अशोक शर्मा, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और घर से बाहर मत जाइए।